जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार ने नियमावली 2023 के नाम पर एक काला कानून हम लोग के बीच लाया है और उसमें सबसे बड़ा जो समस्या है वह है आयोग के माध्यम से परीक्षा। परीक्षा से हम नहीं डरते हैं, सरकार की लेट लतीफी की वजह से डरते हैं। ऐसे में सरकार ने 4 साल से हम लोग को ठगा है, यह कौन गारंटी देगा कि आयोग के माध्यम से जो परीक्षा ली जाएगी इससे और हमें 4 साल तक नहीं ठगा जाएगा। ऐसे में हमारे साथ सत्यम जी हैं, आज आंदोलन रखा गया है, अभ्यर्थी जानकारी है कि बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और अभी जो अभ्यर्थी पटना में खास करके रह रहे हैं उनसे क्या कहेंगे और नियमावली 2023 के बारे में अपनी बात रखिए। नियमावली 2023 जो है एक तरह का काला कानून है। अभी दीपक सर को कहा जाए कि फिर से IAS का एग्जामिनेशन दीजिए, फिर से IAS बनिएगा तो आपको हम एक पोस्ट ऊपर देंगे, तो ये गलत है। और मान लीजिए किसी गंतव्य स्थान पर हम लोग 7 समुंदर पार कर कर गए और हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने तो पहुंच गया, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि नहीं, तुम समुंदर तैर के दिखाओ, तुम तैर के दिखाओ कि तुम पार करके आए हो कि कैसे आए हो। तो यह काला कानून को सरकार को वापस करना होगा। यानी इसको देखते हुए हमें यही पता चल रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी या कोई व्यक्ति लड़ाई के लिए कराटे से तैयारी कर रहा है, मतलब कराटा का तैयारी कर रहा है और उसको पड़ोसी लेके आ गया पिस्टल, तो वो क्या करेगा। हम लोग यहाँ सीटेट बीटेट पास करके बहाली का इंतजार कर रहे हैं, अब सरकार कह रही कि नहीं अब परीक्षा दो। कितना बार परीक्षा देंगे, 4 बार सीटेट निकाले हैं सर। एग्जामिनेशन से किसी को डर नहीं है जी। लेकिन बिहार में बच्चा कितना बार परीक्षा दे, कितना बार अपने आप को प्रूफ करे, 10वां में प्रूफ किया, 12वां में प्रूफ किया, यहाँ तक ग्रेजुएशन में प्रूफ किया, DLED में प्रूफ किया, BED में प्रूफ किया, CTET में प्रूफ किया, 3-4 बार 5 बार तो CTET में प्रूफ कर दिया। उसके बाद अब कितना प्रूफ करे अपने आप को कि बिहार सरकार का शिक्षक कहलाएगा। वह मंत्रीगण से हम पूछना चाहते हैं, क्या उन विधायक लोगों के लिए कुछ डिग्री नहीं है? क्या उन विधायक लोगों के लिए कोई अच्छा, मतलब देखा जाए तो जो थाना होना का जो सेथी होता सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है? क्या उन मंत्री लोगों को सर्टिफिकेट का जारी नहीं करना चाहिए कि हाँ इनका कैरेक्टर ठीक है, इनको विधायक बनाया जाए? क्योंकि बिहार का जो 243 दल का लोग होते हैं बिहार के विकास में, वही लोग को मौका मिले, जो लोग अच्छे क्रेडिट हो, अच्छा कैरेक्टर जिनका हो, अच्छे पढ़े लिखे IAS रिटायर्ड हो, उनको मिलना चाहिए विधायक में मौका। तो ये तो पता ही नहीं चलता है, किसी को 9 को एग्जाम लीजिए, एग्जाम से कोई थोड़ा, सब कोई पढ़ लिख के आया है, लेकिन सरकार को हम आपके सामने कितना बार प्रूफ करने का कोशिश करें, आखिर कितना बार प्रूफ करने का कोशिश करें? आप देखे होंगे बिहार के BPSC एग्जामिनेशन रद्द कर दी जाती है, BPSC एग्जामिनेशन वो जो आयोग लेता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन रद्द हो जाती है, SSC CGL का रद्द हो जाती है, अमीन का पेपर रद्द हो जाता है, बिहार स्टेट का पेपर रद्द हो जाता है, बिहार स्टेट का एक बार और पेपर रद्द हो जाता है। हम पूछते हैं बिहार में पेपर है ही कौन जो सही से होता है? आखिर बिहार सरकार में जितने सारे तंत्र बैठे हुए हैं, हम अपने आप को कितना बार प्रूफ करें, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार के तंत्र से। बिल्कुल। ऐसे में सर आज जो रखा गया है हम लोग का आंदोलन, उसमें मुख्य थीम है कि घेरा डालो डेरा डालो, और ऐसे में हम लोग सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं नियमावली में संशोधन हो, तो क्या मुख्य संशोधन की मांग आज हम लोग करने आए हैं? मेरी मुख्य मांग है संशोधन की, सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को हटाया जाए, पहली मेरी मांग है। दूसरी मेरी मांग है महिला संगत कोटी का जो सीट भर जाता है वहां पर पुरुष को मौका दिया जाए। तीसरी मेरी मांग है, जिस तरह से 11 दिन से हम लोग छट गए, अगर जो लोग कह रहे हैं कि 19 वाले जितना सारे लोग हैं उनको बहाली करना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ फिजिकल टीचर जो बहाल हुए हैं 2019 में, क्या उनको भी फिर से बिहार BPSC देकर ही आना पड़ेगा? क्या हमारे साथ विज्ञप्ति आया था? क्या उन BPSC वाले लोग फिजिकल टीचर से पूछना चाहते हैं, क्या उनको आयोग उस तरह से 3 मौका देगी? एक बार उसको बहाल करती है, हम लोग के साथ दोहरा नीति रचती है, क्या ये सही है क्या? यानी कि स्टेट के बारे में कह रहे हैं कि 2019 में जो आई थी उसमें शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक की भी परीक्षा हुई थी, अन्य विषय की परीक्षा हुई थी, और शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक वाले को नियोजित कर दिया गया, और अब इन लोगों को क्या कहा जा रहा है कि आप एग्जाम दीजिए, एक ही साथ एग्जाम लिया गया दिया। तो हम पूछते हैं कि जहां पर हम 2019 में थे दिसंबर में, तो हमको मौका नहीं मिला, लेकिन फिजिकल टीचर वाले को मौका मिल गया दोबारा, जो 2021 में एग्जाम दिए थे। सरकार हम पूछते हैं कि दोहरी नीति क्यों लगाती है? हम लोग के साथ एग्जामिनेशन से कोई थोड़ी डरता है, 1 से लेकर 5 तक में हम थोड़ा ट्रिगोमेट्री बैठा के पढ़ा देंगे। यानी कि हमारा ये कहना है कि जिस समय छठा चरण शुरू हुआ था हम लोग छठे थे, सीधा कर देता एग्जाम आप लोग को देना पड़ेगा, कहा कि मुखिया तो वही है, सिस्टम थोड़ी चेंज हुआ है, मुखिया तो नीतीश जी हैं, आज भी मुखिया नीतीश जी हैं, तो कहीं ना कहीं उसको उसी समय में क्लियर करना। आपको यह पता होगा जब 2005 में सरकार में आई थी JDU, तो बिहार के 534 ब्लॉक में न जाने कितना मुखिया है, उन मुखिया लोगों ने जो बहाली किया था उस समय 2 करोड़ संख्या ऐसी थी
जो 12th पास आउट किया था, जिसमें से 1,00,000 लोगों का 2,00,000 लोगों का बहाली हुआ, क्या 1,98,00,000 संख्या के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, क्या कोई एग्जाम हुआ था? नहीं ना हुआ था, उनके साथ चलो धोखा हुआ। जब 2011 के बाद टीटी होने लगा, 12 के बाद उन लोगों के साथ जब बहाली होता है तो उस समय कोई एग्जाम आयोग नहीं आता है 2019 तक। उसी नियमावली में हम लोग पास किए हैं, उसी नियमावली में हम लोग पास किए हैं जिस नियमावली में सरकार सीटेट की सर्टिफिकेट देकर बिहार में नियोजन करता था। और शिक्षा मंत्री भी लगातार कह चुके हैं कि परीक्षा तो सीटेट बीटेट हो ही गया है, वो क्वालिटी एग्जाम है, सेंट्रल एग्जाम लेती है, तो वो लोग जो है पास करके ही आए हैं, पास करके ही आए हैं। 3,00,000 स्टूडेंट सीटेट बीटेट जीतने सर है, किसी भी स्टूडेंट के सामने शिक्षा मंत्री बैठ जाएंगे? किसी के सामने नहीं बैठ सकते हैं। वो ये बिहार का लड़का लोग है, सरकार शिक्षक से सरकार होती है, सरकार से शिक्षक नहीं होता है। एक शिक्षक IAS IPS बनाता है, मंत्री बनाता है। आपको यह बात पता होना चाहिए, मैं बोल देता हूं कि उन 3,00,000 बच्चों के सामने शिक्षा मंत्री नहीं बैठ पाएंगे। UGC नेट निकाल पाएंगे फिर से क्या? वो पता है UGC नेट में क्या सिलेबस है? पता है UGC नेट किस तरह से निकाला जाता है? क्या कोई बिहार के 243 विधायक में ऐसा कोई शक्ति है कि फिर से UGC नेट निकाल लेगा? हवाबाजी करने से होता है? आखिर बिहार में कितना बार बच्चा प्रूफ करे अपने आप को कि हम सही हैं? एक तो एग्जाम का प्रक्रिया तो लादी दी सरकार, दूसरा नियोजित शिक्षक और सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थियों को इस नियमावली के नाम पर आपस में लड़वा दी भी है, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि अब जो आयोग परीक्षा की बात कर रही है उसमें कहा जा रहा है कि सीटेट बीटेट और जो नियोजित शिक्षक है दोनों उसमें भाग लेंगे, ये तो एक वहाँ भी एक समस्या। एक बात ये भी है कि 2005 से लेकर अभी तक जो लोग हैं इसी 80,000 सीट पर भरेंगे, क्योंकि इस 80,000 का जो पास होने वाला है कैबिनेट से इसी पर सब कोई भरेंगे। मतलब जो 7-8 लाख मेंबर थे पहले से वो 4 लाख ही है, यानी 12 लाख 12 लाख लोग भरेंगे, जिनमें से 12,000 भी क्वालिफाई नहीं होगा। आपके आँख के सामने 45,000 फॉर्म भर के 400 आदमी गए ना, एगो 667 होगा। इन लोग का मतलब मकसद यही है कि एग्जाम लो, ऐसा क्वेश्चन सेट करो क्वालिफाई नहीं हो। हाँ, इसका उदाहरण फिर कहा जाएगा बिहार के अंदर जितने सारे विद्यार्थियों को हमने कहा था, हमने तो मौका दिए भी किया, नीतीश कुमार हमने तो मौका देवे किया था, लेकिन लड़का ही उत्तीर्ण नहीं हुआ तो हम क्या कह सकते? मतलब कहेंगे आप जानते ही ना है, हम लोग तो करिए रहे हैं, करते ही रहते हैं, करने का हम करते ही रहते हैं, पीछे हटने का काम किया है, कितना काम कर दिया, जल न लाया, कोई तो देख ही रहा है। इसी तरह से बोलते हैं, सब कोई तो देख ही रहा है। अब हमारा कोई दोष है इसमें? जब मान लीजिए वही जाएंगे मेटोरियस ना जो पढ़ने लिखने वाले हैं, कितना बार कोई प्रूफ करे? हम पूछते हैं, मान लीजिए कि ये भैया है मेरे सामने, मेरे से उम्र में बड़े हैं, इनका एज लगभग 30 साल हुआ। हम पूछते हैं कि क्या 22-23 साल की उम्र में जब इन्होंने सीटेट क्वालिफाइड किया तो इतना धनी मनी थे कि लगातार किताब कॉपी लेकर चलते रहे और 8 साल अपना परिवार का काम करके भरण पोषण नहीं करेंगे तो कहेंगे घर का खर्चा आप चलाइएगा, हम चलाएंगे? कोई मंत्री जिसका रिस्क लिया हुआ है? आप जो इस आयोग को लाए हैं तब तो जिस तरह से राहुल गांधी पर केस हुआ उस तरह से विजय कुमार चौधरी सर पर भी केस होना चाहिए, क्योंकि इसलिए होना चाहिए। हम तो चाहते ही हैं 7वें चरण की बहाली हो, हम तो चाहते ही हैं कि 7वें चरण की बहाली हो, लेकिन ये चाहने से थोड़े होता है। अगले 15 अगस्त तक हम उम्मीद करते हैं कि सब कोई सरकार जाएंगे तो शिक्षक लोग जिलेबी खाएंगे। सरकार की दोहरी नीति पहली, आप कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उठा के बिहार का देख लीजिए, क्या क्वेश्चन आउट हुआ है कि नहीं हुआ है? 2016-17 वाला आउट हुआ है? क्या भरोसा है कि इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आउट नहीं होगा? हमें लगता है कि सर ये लोग धंधा खोलेगा RJD JDU मिल करके, चूंकि लोकसभा के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, सीट बेच के इलेक्शन का खर्चा निकालेगा, 12,00,000-15,00,000 का खर्चा निकालेगा, वो बात अलग है। 80,000 कैंडिडेट मान लीजिए हमारे है ना जी, प्राथमिक में भी सीट बोल रही है, तो हम पूछते हैं कि उस 80,000 कैंडिडेट पर जो बहाली होने वाली है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट तो एकदम 8-9 लाख आदमी भरेगा, क्योंकि 8 लाख लोग वो थे और 3-4 लाख लोग थे हम, यानी 12 लाख लोग हुए। उस 12 लाख में 1200 रुपये से भरेगा तो 12 लाख में 1200 रुपये से गुना कीजिए कितना आदमी होता है, चुनाव का खर्चा तो नॉर्मल निकल गया, बाद में बेचाई तेचाई होगा सीटों। अरे मैथमेटिक्स तो बचपन से हम लोग, अरे सारे शिक्षक अभ्यर्थी पढ़े हुए हैं, सरकार शिक्षक से चलती है, सरकार से शिक्षक नहीं चलता है, इस बात को आप लोग सोच लीजिए। माननीय मंत्री जी, अगर बहाली नहीं हुई तो बिहार का 3,00,000 शिक्षक और वो 4,00,000 नियोजित शिक्षक भी ठान लिए हैं कि इस बार कुर्सी किसको देना है।
बिल्कुल 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 सही बात बोले आप। और समझदार है कि एक 3 लाख परिवार ही नहीं है, 3 लाख लोग ही नहीं है, 3 लाख लोगों का परिवार है, उनके रिश्तेदार है, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनके समाज के अंदर रहने वाले सारे लोग भी अवेलेबल हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो नीतीश जी अपना कैलकुलेशन लगा ले कैलकुलेशन क्या होने वाला है। किसको शौक है कि 4 साल से हाथ पैर तोड़वाकर प्रशासन की डंडे से मारकर हाथ पैर तोड़वाकर फोड़वाकर सारी शरीर को खत्म कर दिया उन्होंने। क्या आतंकवादी हमला पटना में किया था हमने? अरे हमने तो नौकरी मांगने आया था उन तेजस्वी यादव से जो कहे थे पहली कैबिनेट में हम 10 लाख रोजगार देंगे। क्या उनकी कलम टूट गई, हेरा गई? अरे वो तो वही सरकार के प्रजातंत्र के लोग निकले जिनको शुद्ध से लिखने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, वो दूसरे को नौकरी बांटते हैं। अगर सोचिए, फिर से कहते हैं तेजस्वी यादव जी अगर लालू यादव के पुत्र नहीं रहते तो क्या होता? ग्रुप डी के एग्जाम में बैठ पाते नहीं। क्या बैठ पाते नहीं, नहीं। बैठ पाते बिहार के कोई कंपटीशन में बैठ पाते नहीं। बैठ पाते कोई भी नहीं, नहीं बैठ पाते। यानी उन्होंने एक एजेंडा बताया, स्ट्राइकर भी तेजस्वी यादव और रनिंग पर है तेज प्रताप यादव और एम्पायर है लालू यादव, बेटा हमारा आउट नहीं होता है। नीतीश का है उसमें है? नीतीश क्या है? दर्शक, मैंने क्या दर्शक ही है ना जी, वो तो वो बैसाखी का सहारा है, कभी बैसाखी टूटता है तो उनसे बैसाखी मांग लेते हैं, कभी बीजेपी में तो कभी जेडीयू में। अरे हम तो कहां मौका नहीं दिए, हम तो उनको भी मौका दिए थे सरकार। हमको लगता है नीतीश जी को देख के वही लगता है जो IPL में दर्शक नहीं होता है पॉपकॉर्न मांग मांग के खाने वाला, वही लगता है। इससे सीट मांग के सरकार बनाता है, उसे सीट मांग के तो कहते हम तो उनको भी मौका दिए थे काम करने का, लेकिन उन्होंने जब नहीं किया तो मैं क्या करूं तब इनको मैंने ऐसे में सर, ऐसे में सर मुद्दे की बात करेंगे। नियमावली 2023 काला कानून है, ये छुपा नहीं है, नियोजित शिक्षक के लिए, हम सीटेट बीटेट के लिए और एस्टेट के लिए। ऐसे में हमारी मुख्य मांग यही है कि महिला के रिक्त सीट पर पुरुषों को मौका दिया जाए और पहले हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए, इसके बाद कोई भी प्रवेश पत्र हमें मिलेगा, चाहे BPSC का, UPSC का, चाहे जो भी, नीतीश कुमार अपने सामने में परीक्षा बैठा के लिए तो भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमें क्या चाहिए? नियुक्ति पत्र चाहिए। जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिले, ससमय मिले।